साइबर सिटी गुरुग्राम के अर्जुन नगर सरकारी स्कूल में आम आदमी पार्टी ने जर्जर कमजोर स्कूल में सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपायुक्त को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और इसको जल्द दुरुस्त करने की मांग की, अन्यथा वो स्कूल के बाहर धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे आम आदमी के कार्यकर्ता, जिन्होंने सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जर्जर इमारत से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि स्कूल की इमारत काफी जर्जर हो गई है और काफी दशकों पुरानी है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मुझे अर्जुन नगर के लोगों ने, साथियों ने यहाँ बुलाया कि हमारे स्कूल की हालत बहुत खराब है और कभी कभी बिल्डिंग गिर सकती है, तो हमने कन्या स्कूल जो है अपना अर्जुन नगर का, पहले उसमें दौरा किया और आप हमारे साथ थे, उसकी हालत ऐसी कर रखी है इन लोगों ने कि मतलब कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। फोटो आपके पास है और हम सरकार को अभी डीसी साहब के पास भी जाएंगे। बच्चियां पढ़ नहीं रही, मौत के कुएं में बैठ के वो अपना मतलब जिंदगी दांव पे लगा रखी है उन बच्चियों ने, और मतलब इतना बुरा हाल हमने जिंदगी में किसी स्कूल का नहीं देखा। जो अर्जुन नगर गुड़गांव का सबसे पुराना स्कूल था, जहाँ की 4,000 बच्चियों की स्ट्रेंथ होती थी, आज उस स्कूल में मुश्किल से 500-600 बच्चियां होंगी और स्कूल की बहुत बुरी हालत है। और उस स्कूल को हम चाहते हैं कि सरकार उसको जल्द से जल्द नया बनाए, तोड़ के इसको और एक मॉडल स्कूल के रूप में इसको तैयार किया जाए। अभी सुनने को मिल रहा था, वहाँ गए थे स्कूल में, तो बोला कि 1.5 करोड़ रुपए में तो उसकी रिपेयर भी नहीं होगी, तो 1.5 करोड़ रुपए में क्या होगा? कुछ अफसर खा जाएंगे मिलके और कुछ ठेकेदार खा जाएंगे, 1.5 करोड़ में क्या होना है उसमें? फिर वही 5 साल बाद हालत हो जाएगी। कम से कम एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनवा के, किसी अच्छे आर्किटेक्ट से बनवा के, और इनके पास नक्शा नहीं है तो दिल्ली की के किसी भी स्कूल का जाके नक्शा देख सकते हैं, और दिल्ली की तर्ज पे एक मॉडल स्कूल यहाँ गुड़गांव के अर्जुन नगर में बनना चाहिए। और ये हालत इस स्कूल की, 60 साल पुराना स्कूल है, आप लोगों ने सब कुछ देख रखा है, और इस बात पे अगर जो जल्द से जल्द गौर नहीं किया गया तो हम इस पे धरने पे बैठ जाएंगे वहीं पे स्कूल में। और मैं डीसी साहब से और यहाँ के एजुकेशन ऑफिसर से खासकर निवेदन करना चाहता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इन लड़कियों को, इन बच्चियों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, उस बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली किया जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मान ले गलती से कोई अर्थक्वेक का हल्का सा झटका आ गया तो ये सारी बिल्डिंग और सारे बच्चे इसमें दब जाएंगे और बहुत भारी क्षति हो जाएगी और इनको जवाब देना भारी हो जाएगा।